जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। काफी समय से वीडियो नहीं आ रही थी। आप सभी को पता है कि इविन क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन सेशन 2024-25 अपने अंतिम समय में चल रहे हैं। सारे एडमिशन सभी कोर्सेज में लगभग लगभग हो चुके हैं। बहुत से कोर्सेज की सीट फुल हो चुकी है और जो सीयूटी यूजी की कट ऑफ है वो 0 नंबर जा चुकी है। मतलब जो जिन छात्रों ने भी सीयूटी यूजी दिया था और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन किया था, उन सभी के एडमिशन के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 0 नंबर जा चुकी थी। मतलब जिन्होंने भी अप्लाई किया था वो सभी एडमिशन के लिए एलिजिबल कर दिया गया था इविन क्रिश्चियन कॉलेज द्वारा। अब बात आती है कि इविन क्रिश्चियन कॉलेज में जो दूसरे प्रकार से एडमिशन होने थे नॉन सीयूटी के तहत, तो उसके एडमिशन कब से होंगे इस वीडियो में हम समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को समझिएगा। इस वीडियो में हम इविन क्रिश्चियन कॉलेज की जो नॉन सीयूटी एडमिशन की है उसकी नोटिस कब आएगी इसकी बात करेंगे, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस करना है आपको, कैसे फीस पेमेंट करना है, सारी चीजों को एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे हम। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ईसीसी की नॉन सीयूटी एडमिशन की जो नोटिस है वो आज, यानी आज है आपकी 23 सितंबर को शाम तक या 24 सितंबर को आपको नोटिस मिल जाएगी नॉन सीयूटी एडमिशन की। कॉलेज में मेरी यही बात हुई है, कॉलेज ने बोला है कि 23 को या 24 को आपको नॉन सीयूटी एडमिशन की नोटिस मिल जाएगी। इसका काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा और स्टेप बाय स्टेप फीस पेमेंट कैसे होगा इसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले ईसीसी प्रयागराज .org की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। मैंने पहले ही बताया, ये देखिए ईसीसी प्रयागराज .org की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, आप सबसे ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू एक्सेस द एडमिशन पोर्टल फॉर सेशन 2024-25। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा। देखिए, जब आपने नॉन सीयूटी का फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको 5 डिजिट का एक फॉर्म नंबर मिला होगा या एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर भी मिला होगा। तो आप फॉर्म नंबर डाल के भी और एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर डाल के प्लस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखिए खुलेगा, ऐसा इंटरफेस देखिए आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में कई कॉलम्स होंगे जिसमें आपका माई एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वहां से आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं। एडमिट कार्ड का कोई झमेला नहीं है। देखिए, जो भी नॉन सीयूटी के एडमिशन होंगे वो 12th की मेरिट के आधार पर होंगे। देखिए, अब बात आती है रिजल्ट की। यहाँ पर आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो एडमिशन पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। देखिए, अभी कोई भी चीज ओपन नहीं होगी, जब नोटिस आएगी, प्रॉपर नोटिस आएगी तो उसका भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए नोटिस आने की, आज शाम तक या कल तक आपकी नोटिस कन्फर्म आ जाएगी। इसके बाद जैसे ही देखिए आप रिजल्ट पर क्लिक करेंगे ऐसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिस जिस कोर्सेज में आपने अप्लाई किया। अगर आपने बीए में अप्लाई किया, बीसीए में अप्लाई किया, बीकॉम में अप्लाई किया तो सबका अलग अलग दिखने लगेगा। ऐसे ही न्यू एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर होगा, मेड पोजिशन आपकी आ जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका जब एडमिशन कराना होगा आपको तुरंत आपको फीस पेमेंट करनी होगी क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड हैं। देखिए, बीएससी बायो की सीटें खत्म है और बीकॉम और बीसीए की भी सीटें खत्म है, सिर्फ और सिर्फ बीए कोर्सेज में अभी सीटें बची हुई हैं। बाकी अगर और भी कोर्सेज में इनमें सीट विड्रॉ होंगे एडमिशन तो सीटें खाली होंगी। यहाँ पर आपका पूरा एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो आपको फीस पेमेंट कर देना है और आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा। तो ये थी नॉन सीयूटी की एडमिशन प्रक्रिया। आगे कुछ भी होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी आगे किसी नए वीडियो के साथ हम प्रस्तुत होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।